Hotel Kingston. शैली कुछ नहीं बोलो। अच्छा फिर अपनी आंखें बंद करो। क्यों? करो ना। ये क्या है निक? सुनिए विकास। जी सर। देखो वो टेबल नंबर 10 पे स्पेशल गेस्ट है, खास ध्यान रखना। लेकिन सर वो काफी देर से वेट कर रहे हैं। अरे यार जैसा कह रहा हूँ वैसा करो ना तुम। पांच मिनट की देरी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी सर। आनंद जी का ऑर्डर लिया किसी ने अब तक? मैंने लिया ना सर। तो खाना कहाँ है? आधे घंटे पहले मैं यहाँ पर आया था तभी वो यहीं बैठे हुए थे और अब तक खाना नहीं आया। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? बस अभी सर अभी लाया। जाओ। सुजीत। विश यार आज स्टाफ कम है और खास गेस्ट भी आए हैं तो सबको ध्यान देना पड़ता है। खास? इस होटल में हर गेस्ट खास होता है सुजीत। कैसे दिखते हैं कैसे कपड़े पहनते हैं इस पे हम जजमेंट पास करने वाले कोई नहीं होते। दिस इज रिडिकुलस। सर आप ठीक हैं सर? हाँ उम्र एज ऊपर से डायबिटीज और अस्थमा भी है। सुबह से कुछ खाया नहीं ना फिर ये ब्लड शुगर कम से थकान बहुत हो गई यार एकदम एकदम कमजोरी आ गई। सुबह एक बार मैं अपने स्टाफ की तरफ से माफी मांग थोड़ा ही क्या होगा तुम्हारे यहाँ स्टाफ कम है।
मत ले मत। मेरा बेटा 4 साल पहले एक एक्सीडेंट ने मुझसे छीन लिया। हमेशा मेरे साथ रहता था, अब भी मैं इसे अपने साथ ही रखता हूँ। नहीं हेलो निक, कहो मित्र, तैयारियां शुरू हो गई? चली मैम है। नहीं वो तो नहीं है, पर कोई मैसेज है तो मैं दे देता हूँ। नहीं, मुझे गोविंद जी के डॉक्टर का नंबर चाहिए था। डॉक्टर? क्या क्या हुआ? गोविंद अंकल ठीक तो है ना? गोविंद अंकल का कुछ नहीं हुआ है। यहाँ रूम नंबर 125 में मिस्टर आनंद सिंह रहते हैं, उन्हें अस्थमा और डायबिटीज है, इसलिए वो चक्कर खा के गिर गए। उनका चेकअप कराना था तो मैं तुरंत डॉक्टर को फोन करके वहां जाता हूँ। नहीं नहीं, आपके आने की जरूरत नहीं है। हमारी एमडी मिस चेरी सहाय के होने वाले होंगे। तो निखिलेश मेहरा। बैठो बैठो बैठो। शुक्रिया। निखिलेश ने बताया कि आपको डायबिटीज और अस्थमा है, अभी कैसे हैं आप? अरे पहले से बेहतर, आज दवा नहीं खाई थी ना इसलिए। अरे तुम्हारा पहनावा देखकर मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गया, आजादी की लड़ाई के दिन। हमारा सपना आजादी का ही हुआ करता था। अंग्रेजों की लाठियां हम पर बरसती थी और हम आजादी के नारे लगाते थे। बापू के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आजादी के नारे खूब गलत करते। आप नहीं जानते आज मेरे लिए कितनी खुशी का दिन है। आज पहली बार किसी फ्रीडम फाइटर के मुझे साक्षात दर्शन हुए हैं। आपके हाथों से, आपके हाथों से मुझे खुशबू आ रही है। बेटा मुझे अपनी होने वाली पत्नी मिलवाओगे? नहीं जरूर, अभी बुला के लाता हूँ उसे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, पहले मैं तुम्हारे मुंह से उसके बारे में कुछ सुनना चाहता हूँ। पहले किसी इंसान के बारे में कल्पना करना और फिर उसकी वास्तविकता का सामना करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बताओ कैसी है वो? मैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास। कोशिश तो करो। मैं क्या बोलूं, अब मुझसे नहीं होगा। अरे दोस्त, तुम तो शैली को अच्छे से जानते हो, तुम कुछ कहो ना। मैं वो नहीं, आई एम सॉरी, आई कांट। अरे मुझसे कहो जो भी तुम अपने एमडी, क्या नाम है उसका? शैली, शैली सहाय। विश तुम अपने आप को मेरी जगह रखेंगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब करो शैली को। ट्राई तो करो, हो जाएगा। शायद ठीक ही कह रहा है, शायद मैम को डिस्क्राइब करना वाकई बहुत मुश्किल है। दिखने में अच्छी है, स्मार्ट है, लेकिन कभी कभी उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या करती है। और मैं क्या कहूँ, दिल की बहुत अच्छी है, अच्छा बोलती है, अच्छा सोचती है,
हाँ लेकिन जब वो गुस्सा होती है तो वो बिल्कुल नहीं सोच पाती, लेकिन उतनी जल्दी शांत भी हो जाती है। बस ऐसी कैसे धूप और छाव दोनों जब वो मिलती है तो लगता है कि हर तलाश खत्म हो गई, और जब वो नहीं मिलती है तो खुद को पता भूल जाती। अगर वो चाहे तो अपनी मुस्कुराहट से किसी की भी जिंदगी बना दे, और अगर चाहे तो अपनी उदासी से किसी की भी जिंदगी बेईमान कर दे। जब बोलती है तो उसके अलावा कुछ सुनने का मन ही नहीं करता, जब वो नहीं बोलती खामोश होती है, तब पता चलता है कि सुनना बंद कैसे कहते हैं। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? विश, तुम शैली को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर सकते हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। कैरी ऑन, कहते रहो। एक्सक्यूज मी, मुझे याद आया कि मैंने किसी को बुलवाया था, मेरा वेट कर रहा हूँ। कोई रूम खाली हुआ? नहीं विश, अभी तो कोई रूम खाली नहीं हुआ। देखो किसी ने चेकआउट किया होगा, चेक करो। अरे वो मिस्टर थॉमस है ना, 210 रूम के, वो चेकआउट करने वाले थे पर उनकी फ्लाइट कंफर्म नहीं हुई तो उन्होंने चेकआउट नहीं किया। कर्टन्स लगा तो सकते हैं लेकिन उसके लिए पहले हमें वो डिजाइन देखनी पड़ेगी, कुछ अलग सा लगे, यू नो कुछ नयापन लगे। तुम्हारा क्या ख्याल है विश? विश? हाँ, क्यों? मैं तुम्हें कुछ कह रही थी। तो इसके ऊपर की जो टेबल्स है ना मिसेस गुप्ता, इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छे डिजाइन, कुछ डिफरेंट डिजाइन का, आपकी एंगेजमेंट सेरेमनी का पूरा लेआउट है, प्लान देखिए, ये एंट्रेंस होगी और एंट्रेंस से डायस तक हम मोस्टली वाइट के लिए ऑफिस करेंगे। मुझे बता दीजिए। क्या गोविंद जी और दिव्यानी जी की सगाई हो रही है? मुझे तो उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात लग रही है, निक और शैली की सगाई। हाँ, माना कि निक बदल गया है, लेकिन शैली मैडम के लिए ये फैसला लेना कुछ जल्दी नहीं है? हाय। हाय।
आप सबको कर्नल ने बताया होगा कि हमें दो इम्पोर्टेंट एंगेजमेंट सेरेमनीज ऑर्गेनाइज करनी है, इसलिए मैं आप सब में ड्यूटीज बांटना चाहता हूँ। टी ब्रेक में हम फिर से यहीं मिलेंगे, ओके? बैक टू योर वर्क स्टेशंस। ये हैं श्री आनंद सिंह जी। पता है ये फ्रीडम फाइटर हैं। इन्होंने गांधी जी के साथ फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया था और पूरे 5 महीने काला पानी में काटे थे। काला पानी? काला पानी नहीं जानती? काला पानी एक जेल था। अरे वहां की सजा इतनी फेमस थी कि उसमें एक मूवी भी बन चुकी है, सजा है काला पानी। सारे फ्रीडम फाइटर्स को जेल हो जाती है, नहीं देखी? आपका जेम केलकर आपके बारे में बहुत तारीफ कर चुका और जब से आपको देखा बिल्कुल वैसी हैं आप जैसा उसने कहा था। हाँ बिल्कुल, पता है इन्होंने बोला कि मैं तुम्हें डिस्क्राइब करूं, क्यों मैं कर नहीं पाया, पर विश ने तुम्हें ऐसे डिस्क्राइब किया कि क्या बताऊं, ऐसे लग रहा था जैसे तुम वहीं पे उसके पास खड़ी हो, मतलब हमारे पास खड़ी हो। क्या कहा विश ने? धुन भाई, वो तो सिर्फ तुम्हारी तारीफ कर रहा था। नहीं, फिर भी मैं जानना चाहती हूँ विश ने क्या कहा। अरे वो तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुम धूप और छांव दोनों हो, तुम मिलती हो तो ऐसा लगता है कि हर तलाश खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक हूँ। चेहरा मन का आईना होता है, जो मन में होता है उसकी परछाई एकदम चेहरे पे झलकने लगती और तुम्हारे चेहरे से पता लगता है कि कोई चीज तुम्हें सताए जा रही है। मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है, एक अनजान रास्ते पे जिंदगी के नए सफर की शुरुआत की जा रही है। एग्जाइटी है ना? करेक्ट? मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। बाय। आनंद जी, कोई आजादी की कहानियां सुनाइए ना। अरे पुरानी बात है, कई आई हो गई, आप क्या पूछते हो।
एक्सक्यूज मी, आप लोग प्लीज इन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। किसी को खोने का डर कैसा होता है ना, खास कर अगर वो कोई खास अपना हो जिसे आप बेहद चाहते हो, बहुत प्यार करते हो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें इस डर का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। तुम जिसे सबसे ज्यादा चाहते हो, सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो शैली, शैली तुम यहां, मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें। चलो शैली, कम ऑन। Kingston.